नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। 17 दिनों से किसानों का महाधरना, टोल फ्री कराने का किसानों का ऐलान। दिल्ली यूपी के सभी टोल प्लाजाओं पर पुलिस की पहरेदारी। किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करना किया शुरू। अंबाला के शंभू और करनाल टोल प्लाजा पर बिना टोल चुकाए गुजर रहे वाहन। किसान आंदोलन पर खालिस्तानी और वामपंथियों का कब्जा। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में किसान आंदोलन के हाईट्रैक होने की बात कही। पीएम मोदी ने FICCI के वर्चुअल समिट का किया उद्घाटन और कहा उतार चढ़ाव भरा रहा 2020, अब हो रहा सुधार। 2 दिन के कोरिया प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल 80 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 130 कार्यों के भूमि पूजन में होंगे शामिल। बालोद में आदिवासियों को मिला रोजगार। प्रशासन ने आदिवासियों को मुहैया करवाया रोजगार। लोगों को कुक्कुट पालन के लिए निशुल्क चूजे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और किसानों के मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे किसानों पर क्या रणनीति है और किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो गया है। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केनी सिंचिया में। जी जी बताइए जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये कि 1 दिसंबर से अब तक कितनी मैट्रिक धान की खरीदी हो पाई है? 10.68 लाख टन धान अभी तक खरीदा जा चुका है। इस साल हमें यह आशा है कि 85 से 90 लाख टन धान खरीदा जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पहले साल 80, दूसरे साल 83 लाख टन धान खरीदा था। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, किसी साल 50 लाख टन से ज्यादा नहीं खरीदा गया। कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती 10 दिनों में ही 10.68 लाख टन धान की खरीद कर दी। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से परेशानियां होती थी किसानों को धान बेचने में, क्या इस बार भी परेशानियां हुई है किसान को? इस बार सिस्टम बदल दिया है। कांग्रेस की सबसे पहले जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ तक के किसान, सबसे पहले उनका धान खरीदा जा रहा है। उसके बाद 5 एकड़ तक के किसानों का धान खरीदा जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो छोटे किसान हैं, जो गरीब हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति हैं, उनके धान की खरीदी पहले होगी और उनको धान का पैसा भी मिल जाएगा। उसके बाद मंझोले किसान और सबसे आखिरी में बड़े किसान। तो इस व्यवस्था के बना देने से धान खरीदी में तेजी आई है। भाजपा के शासनकाल में धान खरीदी केंद्र में जो अव्यवस्था होती थी, गड़बड़ी होती थी, अफरा तफरी रहती थी, किसान का धान इधर उधर कर दिया जाता था, वो सब अब नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही। जी, आपसे जानना चाहती हूँ, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, आखिर किसान आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के शासनकाल में रोज 4 किसान आत्महत्या करते थे। कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों का कृषि ऋण माफ किया, किसानों को धान का दाम 2500 रुपए दिया। इसके चलते स्थिति बहुत बेहतर हुई है। इसके बावजूद यदि कहीं कोई किसान आत्महत्या की घटना हो रही है तो उस घटना को सरकार पूरी संवेदनशीलता से ले रही है, कारणों की जांच कराई जा रही है और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, किसान के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भूपेश बघेल जी की सरकार का संकल्प है। शैलेश जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर के सियासत चल रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कहीं किसी प्रकार के सियासत की कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जो लोग इसमें बदलाव की बात करते हैं वो पूरी तरीके से गलत है। एक प्रकार की संशय फैलाने की कोशिश है, इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं तो कहूंगा ये भाजपा की चाल है।
शैलेश जी, विपक्ष का आरोप है प्रदेश में विकास अवरुद्ध हो रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में विकास अवरुद्ध रहा, कमीशन खोरी होती रही, भ्रष्टाचार होता रहा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में जनता ने उनको 15 सीटें भी नहीं दी और उसके बाद होने वाले तीनों उपचुनाव में भी भाजपा को हार मिली, नगरी निकाय चुनाव में हार मिली, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हार मिली। कांग्रेस लगातार जनता का विश्वास अर्जित कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार किसान हित में, गरीब हित में और राज्य के हित में अच्छा काम कर रही है। भाजपा की दरअसल विकास की जो परिभाषा है, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध धंधे, वो सब अब नहीं हो रहे हैं, इसलिए भाजपा ऐसी बात कर रही है। जहां तक वास्तविक विकास का काम है, बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है शैलेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, 13 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन साल 2013 झीरम घाटी की हुई घटना में कांग्रेस नेताओं को अब तक न्याय नहीं मिल पाया, इसका क्या कारण है? झीरम की घटना दुखद अध्याय। अभी हमने देखा कि जेपी नड्डा के काफिले पे एक पत्थर चलने की अवैध घटना हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सिर पे उठा लिया, लेकिन में इसी भाजपा की सरकार में हमारे 29 नेता शहीद हुए, कांग्रेस नेताओं की पूरी पीढ़ी को शहीद कर दिया गया, और जहां पर माओवादी हमला हुआ वहां पर रमन सिंह की पुलिस ने, भाजपा सरकार की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी थी। हम जांच की कोशिश करते हैं, आयोग बनाते हैं, SIT बनाते हैं, उस पर रोक लगाई जाती है। भाजपा इस बात का जवाब दे कि भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा का राज नेतृत्व क्यों नहीं चाहता है कि जांच हो, झीरम की जांच से क्यों रोका जा रहा है राज्य सरकार को, इस सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए। जी शैलेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि और छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर के आगे क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी? छत्तीसगढ़ में किसान को पैसे दिए गए, मनरेगा में देश में सबसे बढ़िया काम हुआ, तेंदू पत्ता तोड़ने वाले वनोपज इकट्ठा करने वालों को पैसा मिला, ये पैसा उन लोगों ने गांव में जो किराने की दुकान है, हाट बाजार की दुकान है वहां खर्च किया, कस्बे की मोटरसाइकिल वाले से यहां से मोटरसाइकिलें खरीदी, कस्बों से पैसा नगर में पहुंचा, आज पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापार व्यवसाय समृद्ध है, खुशहाल है, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यापारी, छत्तीसगढ़ का उद्योगपति, आज अगर छत्तीसगढ़ में खुशहाली का वातावरण बना है तो भूपेश बघेल जी की सरकार के कारण बना है, और ये वातावरण और मजबूत बनेगा आगामी 3 वर्षों में। हम बहुत सारे नए काम करने जा रहे हैं, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए बहुत सारी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ बनेगा, एक मजबूत छत्तीसगढ़ बनेगा, इसका मैं आपको वचन देता हूं। जी शैलेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, कई सारी रणनीतियां आपकी तरफ से बनाई जाएंगी और आगे भी लगातार आप इस पर काम करते रहेंगे, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों को लेकर के और क्या कुछ रणनीतियां आपकी तरफ से बनाई जाएंगी जिससे किसानों को कोई भी परेशानी ना हो पाए? किसानों को भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करें। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश क्या है? लागत पर किसानों को 50% लाभ मिलना चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए किसानों को धान का दाम मिल रहा है, जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए, किसानों का सिंचाई का लगान माफ किया गया, तो किसान आज अपने पांवों पे खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की किसानी पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, धान पर निर्भर है, और इस 80% जनसंख्या को मजबूत बनाने का काम, आत्मनिर्भर बनाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये काम लगातार जारी रहेगा। धान से इथेनॉल बनाने की योजना है, तेल का आयात कम होगा, देश को विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को धान का दाम मिलेगा, ये सरकार की योजना है और इस योजना में बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है।
जी, यानी कि आपकी तरफ से कहना है कि किसानों के लिए भी रणनीतियां बनाई जाएंगी और अब किसान परेशान नहीं होंगी, जो भी उनकी परेशानी है उसको आपकी तरफ से दूर किया जाएगा। साथ ही साथ विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास भी आपकी तरफ से लगातार किया जाएगा। शैलेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से नक्सलियों को लेकर के लोन वराटू अभियान चल रहा है, जिससे कई सारे नक्सली वापस आए, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनको कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वो फिर से उस माहौल में ना जा सके, एक अच्छा जीवन वो जिए, इसको लेकर के और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, रमन सिंह सरकार में क्या होता था, जो माओवादी नहीं भी होते थे उन्हें परेशान किया जाता था, फर्जी मुकदमों में जेल में डाल दिया जाता था, फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जाता था। आज छत्तीसगढ़ में वातावरण ठीक विपरीत है। आज छत्तीसगढ़ में बस्तर में भी सुख शांति है, माओवादी घटनाओं में कमी आई है। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम भूपेश बघेल जी ने नए उद्योगों को बस्तर में ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए वहां सब्सिडी की राशि बढ़ा दी। केंद्र सरकार को भी कहा है कि लौह अयस्क घटी हुई दरों में इन उद्योगों को दिया जाए, यदि यह होता है तो बस्तर का नौजवान उसको रोजगार मिलेगा। हमने यह भी अपील की है कि सेना में और केंद्रीय पुलिस बलों में बस्तर के लोगों को भर्ती किया जाए। जब वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो माओवाद की समस्या अपने आप हल होने लगेगी। समस्या आज क्या है, उनको काम नहीं मिलता, यही तो समस्या है। वहां की बेरोजगारी की समस्या और पूरे प्रदेश और पूरे देश की बेरोजगारी की समस्या हम सबको हल करना है। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार कहा था 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल देंगे, 6 साल पहले कहा था, यदि 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए होते तो 12 करोड़ नौजवानों को काम मिला होता देश। ये कुछ नहीं करते, केवल समस्या खड़ी करते हैं, धर्म से धर्म को लड़ाते हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पे, शांति के रास्ते पर, गांधी जी के रास्ते पर, भगवान राम के रास्ते पर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इस तरीके से आपने बात की और आपने बताया कि विकास के पथ पर लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ता रहेगा और किसी भी प्रकार से नौजवान हो या फिर किसान हो, उनको परेशानी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज में अपनी बात रखने के लिए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों को विकास कार्य और उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जहां सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। साथ ही साथ राम वन गमन प्रोजेक्ट को लेकर के समीक्षा भी की जाएगी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि 70 का बहुमत किसी के लिए भी सपना हो जाता है। आज हमारी सरकार 70 के बहुमत के साथ 2 साल पूरे करने जा रही है। इस दौरान हमने जो भी बड़े कार्य किए हैं उसे अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार को बने पूरा 2 साल हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस आस्था और विश्वास के साथ समर्थन दिया था, 70 का बहुमत किसी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में 70 का बहुमत दिया।
हमारे घोषणा पत्र में जितने भी वायदे थे अधिकांश हमने पूरे किए। 2 साल पूरा होने में सभी माननीय मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में उनके लिए जिला चिन्हित किया गया है। भाजपा के कार्यकाल के काम स्काई वॉक और एक्सप्रेसवे पर नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को सराहा है, पसंद किया है। हमें अपने कार्यकाल और उपलब्धि के लिए भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पिछली सरकार में एमओयू को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में डॉक्टर रमन सिंह 2 बार एक साथ गए लेकिन एक भी काम धरातल पर नजर नहीं आए। हमारी सरकार वही एमओयू करती है जिसे धरातल पर लाना संभव हो। सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी का कहना सच्चाई है। उनका कहना है कि हमने कोई ऐसे कार्य नहीं किए, जैसे आपने रायपुर में उनके कार्यकाल का स्काई वॉक देखा है, लटकता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। आपने उनके कार्यकाल का सारे फ्लाईओवर्स रायपुर में देखा है, सब टूटे फूटे और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उनका कहना सच्चाई, हमने ऐसे कार्य नहीं किए, लेकिन हमने जनता से वायदे किए थे। 10,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ़ किया, पहली साल 20,000 करोड़ रुपया धान की खरीदी में हमने किसानों को दिया। गढ़ में मंडी एक्ट पर राज्यपाल के हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर के कृषि मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है राज्यपाल परीक्षण करके जल्द हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ मंडी एक्ट के कानून का रूप लेने तक कोई भी धान खरीदी में समस्या नहीं आएगी। केंद्र सरकार के कृषि कानून पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के कानून का हश्र देश भर में दिख रहा है, देश भर के किसान चिंता में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। हमारा कानून भले ही फिलहाल प्रभावी ना हो लेकिन इस कानून को पार करके कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने किसानों के लिए, अपने उपभोक्ताओं के लिए और आम जनता के लिए अपने मंडी कानून में संशोधन करके प्रभावशील कानून बनाया है। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र करके हमने पारित किया है, हमने महामहिम के पास भेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं वो अगर परीक्षण करा रही हैं, अध्ययन करा रही हैं, तो ये उनका अधिकार भी है और कराना भी चाहिए, लेकिन ये कानून बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगा। और दूसरी बात है, केंद्र सरकार के तीनों कानूनों का हश्र क्या हो रहा है, राजधानी दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों बिलों में 3 विधेयक कानून बनाए गए, उसमें एक पक्षकार हमारा किसान है, दूसरा एक में कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वह नया मंडी खोलने वाले हैं, तीसरी पूंजीपति व्यापारी हैं, जिनको स्टॉक लिमिट की छूट दी गई। हमारी लड़ाई ये है कि किसानों को पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बनाने की केंद्र सरकार की साजिश है, इसलिए हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है। टेक्सास जाकर के एमओयू करके आए थे, लेकिन एक नया पैसे का एमओयू धरातल में नहीं उतरा था कांग्रेस। लेकिन इन तीनों बिलों में केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक कानून बनाया है उसमें एक पक्षकार हमारा किसान है और दूसरा पक्षकार एक में कॉरपोरेट हाउसेस है, दूसरा एक में कैपिटलिस्ट है जो नया मंडी खोलने वाले हैं, और तीसरा बड़े पूंजीपति व्यापारी हैं जिनको स्टॉक लिमिट का छूट दिया गया है। हमारी लड़ाई तो ये है किसानों को पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बनाने की केंद्र सरकार की साजिश है, इसलिए हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे है। खबर रायपुर से, जहां पर पुलिस के प्रे गेट की मांग पर पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से सेवा में लगे रहते हैं, उनके मामले में सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और गृह मंत्री रामध्वज साहू को ये टालने के बजाय स्वयं निर्णय लेकर मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए। जो हमारे सुरक्षा कर्मी है जो पूरी तरह सेवा में लगे होते हैं उनके मामले में सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए और गृह मंत्री को टालने की बजाय स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर उसका निराकरण करना चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियों में किसी प्रकार का असंतोष नहीं पनपे इसकी चिंता करनी चाहिए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उनको अपना प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा। मामले में श्रम विभाग नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी अपना बयान दिया है। आधार पे नौकरी पाली है या अन्य जगहों में थे उन पर कार्रवाई होना शुरू हो गया, उसका असर भी आप लोगों ने देखा है।
और आगे भी ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले संगठन के अधिकारी व कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों ने मांगे पूरी न होने पर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। वहीं संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों का कहना था कि अभी भी उनका 7वें वेतन मान का एरियर रुका हुआ है। इसके साथ ही उनकी ओर कहीं और भी कई सारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वहीं अधिकारी व कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 19 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसके संयोजक प्रांति श्री कमल वर्मा और बालोद जिले में श्री मधुकांत यदु के नेतृत्व में जो योग्यताधारी बच्चे हैं वो वृत्त पद पर नौकरी न करके तिथि वर्ग के पद पर नौकरी करें, ये हमारी प्रबल मांग है। और हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करें, हमें आमंत्रित करें, हमारे प्रतिनिधित्व को आमंत्रित करें और हमारी मांगों को स्वीकार करें, इसकी पूर्ति करें। अन्यथा 19 तारीख को संभाग रायपुर में पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एक दिवसीय धरना आंदोलन के लिए कटिबद्ध है। तो बहुत सारी 14 मांगे हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख मांग 6-7 मांग ऐसे हैं जिसमें पूरे कर्मचारी का हित जुड़ा हुआ है। जैसे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण के संबंध में है, 10% उसमें आपत्ति लगाया हुआ है। जब तक कोई कर्मचारी खत्म होता है तो उसके परिवार को सीधे सीधे अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें बंधन नहीं होना चाहिए शासन की स्तर पर। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बार बार नाराज होना व कार्यकर्ताओं का हंगामा, ये सब दर्शाता है कि आगे कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि अब वही तल्खी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी व्यक्त हो गई और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के बीच क्या घालमेल है, इसे वे दोनों ही स्पष्ट कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में भाजपा पर हमला करते हुए बयान दिया था, इस पर भाजपा की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। इस प्रकार के बयानों से और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण जो विकास है वो छत्तीसगढ़ में रुकता है, वो अवरुद्ध होता है और लंबे समय से यही स्थिति होने के कारण छत्तीसगढ़ में विकास अवरुद्ध हो गया है। वर्ल्ड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।